तो भाई अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो एंड इन 2021 में आप कोई लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो 40,000 के बजट में, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। मैं बहुत तगड़े लैपटॉप बताने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा समय की बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं आपको प्रोसेसर जो है वो i3 भी बताऊंगा ना, वो यार 10th जनरेशन के साथ या 11th जनरेशन के साथ देखने को मिलेगा। सभी लैपटॉप में आपको SSD देखने को मिलेगी, 8GB रैम जो है वो मिनिमम आपको देखने को मिलेगी, प्लस आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा। एंड कई लैपटॉप में ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आपको 2GB ग्राफिक कार्ड भी मिनिमम देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहना, स्किप आउट मत करना। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर यार मैंने रखा है MI नोटबुक 14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले 2020 में बहुत लोगों ने इसको पसंद किया, बट मैं इसके माइनस पॉइंट की भी आपसे बात कर लेता हूँ। माइनस पॉइंट की बात करूँ, आपको 8GB रैम तो मिल जाता है लेकिन उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है, आप जा सकते हो। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है, इसका ट्रैक पैड बहुत सही है, एंड बिल्ट क्वालिटी भी आपको बहुत तगड़ी मिल जाती है MI नोटबुक 14 की। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा डीपली आपको बता देता हूँ। तो डिस्प्ले की बात में 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एंटी ग्लेड डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाएगी, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटर UHD ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको MX 3502 GB के साथ भी ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है, प्लस आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 41,000 के बजट में MI नोटबुक 14 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक 14 की। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसको नंबर 5 पर रखने का सिर्फ ये रीज़न है कि आपको 8GB रैम यार जो अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। तो भाई अगर आपने जाना है MI नोटबुक 14 की, और आप जा सकते हो। वैसे लैपटॉप देखा जाए पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आपको स्टूडेंट हो, अगर आप ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है 1080p पर, अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आप लाइक कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आपने लाइक कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है, आप इस लैपटॉप पर नॉर्मली इजीली कर सकोगे। लेकिन मैंने आपको माइनस पार्ट भी बता दिया, और कोई भी इसका माइनस पार्ट नहीं है। इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा सही है, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। जो मैं आगे लैपटॉप बताऊंगा ना, किसी में आपको इतना बैटरी बैकअप नहीं मिलता। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पर यार मैंने रखी है HP 14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले यार मैं बात करता हूं, कई बंदे मुझे मैसेज करते हैं मुझे HP का लैपटॉप चाहिए, मुझे डेल का ही लैपटॉप चाहिए। अगर आप भी उनमें से आते हो, आप जा सकते हो HP 14 की। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं, लैपटॉप बहुत तगड़ा है। ये 2 कलर्स में देखने को मिलता है, लेकिन ब्लैक कलर में मुझे ज़्यादा सूट करता है। अगर आपने जाना है तो ब्लैक कलर आप भी ट्राई कर लेना यार, आपको पसंद आने वाला है, ठीक है। इसमें आपको i3 मिलेगा, 10th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा, 11th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप 41,000 या 42,000 पे कर सकते हो, आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर। अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना, आप कर सकते हो। आपको 8GB रैम मिल जाते हैं, जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, जो कि इसका प्लस पॉइंट आ जाता है। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर ही लेता हूँ, आपसे डीपली बात कर ही लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बातों को i3 10th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा, आपको 11th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस अपग्रेड आप कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूं, आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस भी आपको 41,000 के बजट में HP 14 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP 14 के। इसमें आपको i3 देखने को मिलेगा, 10th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा, 11th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा। भाई अगर आप 11th जनरेशन की और जा सकते हो, आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, अगर आप HP का ही लैपटॉप लेना चाहते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है HP 14। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, लेकिन नंबर 3 की बात करने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं, फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, भाई मैं जो भी आपको लैपटॉप बता रहा हूं ना, फॉर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो 1080p पर, एंड भी अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है, आप इन लैपटॉप पे कर सकते हो। बस मैं आपको इतना फिर से कह देना चाहता हूं, जितनी भी आपको रैम मिलती है, सभी में आपको 8GB रैम मिलेगी, लेकिन आप अगर अपग्रेड कर सकते हो, आपने कर लेनी है, जो कि आपके लिए बेस्ट डील हो जाएगी। बिकॉज आपको ग्राफिक कार्ड इतना तगड़ा नहीं मिलता, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है। अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 2GB भी मिल जाता ना, तो भाई मैं आपको रैम एक्सपेंडेबल करने को कहता ही ना, ठीक है। तो आप रैम को एक्सपेंडेबल कर लेना,
ताकि अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना होगा वो नॉर्मली स्मूथली चल जाएगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री पर यार मैंने रखी है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ आपको बहुत पसंद आने वाला अगर आपका बजट 40,000 से भी कम है। ये लैपटॉप आपको 37,000 के बजट में मिल जाता है, प्लस आपको इसके साथ यार लिनोवो जो है लैपटॉप बैग देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने लैपटॉप को कहीं कैरी करना है आप वो कैरी कर सकते हो। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बैग की प्राइस ना 2,000 देखने को मिलती है। तो यार इस लैपटॉप का प्राइस हो जाता है 35,000 प्लस। भाई अगर आप SBI या HDFC कार्ड यूज़ कर ले तो आपको 5% या 10% ऑफ भी देखने को मिल जाता है। अगर आप उसको यूज़ कर लोगे आपका 5,000 और भी लेस हो जाएगा। तो इस लैपटॉप का प्राइस आपको 30,000 मतलब 30,000 के बजट में आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। लैपटॉप बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इस प्राइस रेंज में लिनोवो हो गया, एसर हो गया, बहुत ज़्यादा सही डील प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। मैं दिल से चाहता हूँ भी अगर आपका बजट कम है तो इस लैपटॉप को एक बार आप चेकआउट जरूर करना। लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i को मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की। तो 15.6 इंच आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i3 10th जनरेशन के साथ में मिल जाएगा, 11th जनरेशन के साथ में मिल जाएगा। अगर आप 11th जनरेशन लोगे उसका प्राइस आपको 40,000 के बजट में मिलेगा। अगर आपने 10th जनरेशन की जाना उसका प्राइस आपको 37,000 के बजट में मिलेगा। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 12GB तक कर सकते हो। प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है। प्लस आपको MS ऑफिस मिल जाएगा 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया, 35,000 के बजट में आपको 10th जनरेशन मिल जाएगा एंड 45,000 के बजट में आपको 11th जनरेशन के साथ लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको लैपटॉप के बता दिया, लैपटॉप पूरा तगड़ा। अगर आपने इसके और जाना है आप नॉर्मली स्मूथली जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखी है असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ सबसे पहले ये 2020 मॉडल है एंड आपको स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे आते हैं भाई। अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन चाहिए आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। तो इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं i3 11th जनरेशन के साथ मिलेगा। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाएगी, अपग्रेड आप 16GB तक कर सकते हो। प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं विंडो 10 देखने को मिल जाती है। प्लस आपको MS ऑफिस भी मिल जाएगा 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूं आपको 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं 42,000 के बजट में असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 के भी। इसके स्पेसिफिकेशन पूरे तगड़े, आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिल जाता है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं देखने को मिलता। एंड इसके प्राइस रेंज की बात करूँ आपको 41,000 के बजट में मिल जाएगा। बट यार आपको स्टाइलिश डिज़ाइन भी मिल जाता है, स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन है यार। अगर आपको वो चीज़ मैटर करती है आप इसके और जा सकते हो। प्लस अगर आपने लाइक पढ़ते हो पढ़ाते हो कुछ भी करते हो कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप नॉर्मली इजिली कर सकोगे। बस आप जो रैम है उसको अपग्रेड कर लेना। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ भाई अगर आपका बजट 45,000 तक हो जाता है आप इस लैपटॉप के और चल जाना। अगर आप मतलब 40,000 ही पे कर सकते हो तो असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है भाई। अगर आप 40,000 भी नहीं पे कर सकते तो 35,000 के बजट में लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। अभी बात करते हैं लाइक एसर इंस्पायर 5 की। तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो। प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce MX350 देखने को मिल जाता है जो कि 2GB ग्राफिक कार्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बातों को 45,000 के बजट में Acer Inspire 5 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए Acer Inspire 5 की। ये लैपटॉप मैंने इसीलिए रखा भी अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पे कर सकते हो लैपटॉप पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, 1080p पर वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करना चाहते हो, या अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है एंड भाई अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो आप सभी के लिए बेस्ट डील हो सकते हैं। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 लैपटॉप बता दिए जो भी आपके बजट में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो भाई। अगर आपको
i3 भी देखने को मिलता है ना यार, वो 10th जनरेशन या 11th जनरेशन के साथ मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो आपके लिए बेस्ट डील हो सकते हैं, देखना भी चाहिए, डीपली देखना भी चाहिए, तभी मैंने सभी के लिंक दिए हुए हैं। अगर आपने बाइंग करने हैं बाय भी कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।